तो गाइस आज मैं एक छोटा सा स्टंट करने वाला हूँ। मैं लगाने वाला हूँ यहाँ से छलांग। ओहो, क्या ही ठंडा पानी है यार। ऐसा लग रहा है पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई है। आज तो पूरा दिन स्विम करूंगा, पानी के अंदर ही पड़ा रहूंगा। वैसे भी काफी दिनों से नहाया नहीं था, तो आज पूरी कसर उतार लेते हैं। अरे बेटा जरा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक काम है। जरा पुल से बाहर निकलोगे? एक मिनट, अब ये अंकल कौन है? अबे यार बाहर जाकर देखना होगा। क्या हुआ अंकल, कोई एड्रेस वेड्रेस भूल गए हो क्या, या गलती से यहाँ पर पहुँच गए? नहीं बेटा, तुम्हारा नाम डूडी है ना? हाँ है तो यही। तो फिर मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। दरअसल मेरा एक पेट है जो कि गॉडज़िला है, पर जब आज सुबह मैं उसे खाना देने गया, वहाँ पर बहुत सारे गॉडज़िला दिखाई दिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसमें से असली वाला कौन सा है। क्या बात कर रहे हो, आपने गॉडज़िला को पाल के रखा है? अच्छा ठीक है, काम करो, आप यहीं पर रहना, मैं जाके कपड़े चेंज करके आता हूँ। चलो अंकल आ जाओ मेरी बाइक पर, और रास्ते में मुझे पूरी बात बताओ, ये गॉडज़िला पालने का आपको क्या सूझा? आपको पता है ना, जब वो बड़ा होगा तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। हाँ बेटा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पर एक दिन मैं जंगल में घूमने गया था, तब वो वहाँ पर मुझे मिला था। एकदम छोटू सा, मासूम सा, रो रहा था, तो मैं उसे अपने साथ घर ले आया। उसके बाद मुझे उससे लगाव हो गया और उसे भी मुझसे। तब से हम दोनों एक साथ रहते हैं, पर ऐसी गड़बड़ पहली बार हुई है कि मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, देखते क्या कर सकता हूँ मैं। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं अंकल के फार्म पर। ओ भाई साहब, अबे यहाँ तो एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे गॉडज़िला है। अंकल तो एकदम सही कह रहे थे, देख रहे हो कोई थोड़ा भी अलग नहीं लग रहा है। अंकल मेरी बात सुनिए, देखिए अगर वो गॉडज़िला इतने टाइम से आपके साथ रह रहा है तो वो आपकी आवाज सुन के आ जाना चाहिए। आप एक बार ट्राई तो करो उसे बुलाकर। अच्छा ठीक है। गॉडज़ू, ओ मेरे प्यारे गॉडज़ू, कहाँ पर हो? देखते गाइस आया या नहीं। अबे यार ये तो सारे के सारे ही आ गए। इसका मतलब एक ही बात है गाइस, कई चीज से काम नहीं चलेगा, अब हमें खुद के ही नुस्खे अपनाने पड़ेंगे। चलो मैं अपने साथ एक स्टन गन लेकर आया हूँ, अब इनमें से किसी एक गॉडज़िला पर मैं शूट करूंगा। अगर वो बच गया तो वो असली गॉडज़िला, क्योंकि गॉडज़िला की चर्बी बहुत जाड़ी होती है। तो चलो शूट करते हैं इस वाले को, और ये गया। ओह क्या गाइस तड़प रहा है ये, देखते बच पाता है या नहीं। अबे यार ये क्या, ये तो एक ही बार में निपट गया। देखते इसके पीछे है। उसका नाम जानता था मैं, भूल कैसे सकता हूँ। गाइज अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताओ। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बाकी के गॉडज़िला को मैं लेकर आ गया हूँ एक बीच के किनारे, और इनमें से कोई यहाँ पर एक टास्क करने वाला है जो कि काफी सिंपल है। उसे जाकर वहाँ पानी में खड़े होना है, बस इतना ही, उसके सिवा कुछ नहीं करना। तो बोलो ये टास्क कौन करेगा? छोड़ो गाइज, पूछने से अच्छा मैं ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, तुम ये टास्क करोगे। तो गाइज ये निकल चुका है, देखते ये कर पाएगा या नहीं, पहले इसे पानी में जाने दो। ये लो मैं खड़ा हो गया हूँ यहाँ पर, अब बताओ क्या करना है, क्योंकि ये तो काफी आसान लग रहा है। हाँ आसान तो लगेगा ही, पर चिंता मत करो अब आसान नहीं लगेगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक मशीन छुपा रखी थी जो कि इस पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। अगर इतना करंट वो सहन कर पाया तो समझ जाना कि वो गॉडज़िला है, वरना तो जो होगा आपको पता ही है। देखो फिलहाल तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो बहुत खतरनाक तड़प रहा है। छोड़ो, बाहर निकालो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, अब यार वो तो बच्चों की तरह रो रहा था, जल्दी से जाकर चेक करते हैं, इसकी तो पोंगी बच चुकी है गाइस। तो हमें चेक करना चाहिए कि इसके पीछे है कौन। तो 1 2 3 सही बोलूं तो इसका नाम भी मुझे नहीं पता, और इसको तो शायद देखा भी पहली बार है। चलो छोड़ो गाइस, अभी हमारे पास बहुत सारे गॉडज़िला बचे हैं। तो मैं स्कूल वालों से परमिशन लेके इनको लेकर आ गया हूँ यहाँ पर। आज वैसे भी स्कूल में छुट्टी का दिन है तो उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। देखो गाइस, अब इनमें से कोई भी एक गॉडज़िला जाकर इस केज के अंदर खड़ा होगा जो कि एक ओपन केज है, उसके बाद जो करना है वो मैं करूंगा। तो चलो डिसाइड करते हैं कौन जाएगा। एक काम करो, तुम ही चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं
नहीं मिला इसे बकरा बनाने के लिए, ये लो खड़ा हो गया हूँ, जो करना है जल्दी करो। तो गाइस अब हमारी टर्न, आगे की हिस्सेदारी हम करेंगे। मेरा काम बस इतना है कि मैं इसके चारों बाजू बॉम्ब लगा दूं। देखो एक दो नहीं, मैं अच्छे खासे बॉम्ब लगाने वाला हूँ यहाँ पर। अगर इन सब के धमाके से ये बच गया तो ये रियल, वरना मैं समझ जाऊंगा कि ये फेक है। तो चलो तैयार हो गॉडज़िला, क्योंकि थोड़ी देर में ये बम फटने वाले हैं। तो गाइस तैयार हो जाइए क्योंकि अब धमाका सुनने मिलेगा। 1 2 3 नहीं अबे यार, गाइस यार काफी तगड़े धमाके हुए हैं और ये तो जल के कोयला हो चुका है। ओ बाबा रे बाबा, चलो देखते इसके पीछे कौन है। एक्सकल, ये भी मिला हुआ है। चलो किसी को तो पहचाना, इसकी खुशी है मुझे। तो गाइस अब बारी है आगे बढ़ने की, क्योंकि अब भी हमारे पास बचे हैं पूरे के पूरे 5 गॉडज़िला और मैं इन्हें लेकर आ गया हूँ अपने घर के ऊपर वाली जगह पर, जहाँ पर होने वाला है इनका स्विम टेस्ट। देखो तुम में से किसी एक गॉडज़िला को वहाँ पानी में जाना है और स्विमिंग करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो चलो गाइस देखते हैं कौन जाएगा। एक काम करो तुम जाओ। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये लो मैं पहुँच गया। वाह क्या बात है, पानी काफी ठंडा है, स्विम करने में तो मजा आ रहा है। बताओ कितनी देर स्विमिंग करनी है, मैं आराम से कर सकता हूँ। तो गाइस स्विमिंग तो उसे करनी है, पर आगे की बात बताना मैं भूल गया। मेरे हाथ में जो कैन है उसमें है एक जहरीला केमिकल, अब ये मैं पानी के अंदर डालने वाला हूँ तो जहर पूरे पानी में फैल जाएगा। देखते हैं ये इस पानी के अंदर बच पाता है या नहीं। चलो चलो चलो, ये खाली होने ही वाला है बस। और यहाँ पर भी थोड़ा सा। अरे बाप रे, ये पानी में अलग से स्मेल कैसे आने लगी। गाइस वो तो किनारे की तरफ जा रहा है। मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा, मेरी सांस फूल रही है। नहीं गाइस यार वो नहीं टिक पाया, बहुत जल्दी बाहर निकल गया, पर बाहर निकलते निकलते पुंगी बच गई। तो चलो फिर चेक करते हैं कि इसके पीछे हो कौन सकता है। कार्नेज, ये कब से गॉडज़िला के दुश्मन बन गए। चलो छोड़ो, 5 के बाद अभी भी 4 गॉडज़िला बाकी है गाइस, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल टास्क लेकर आया हूँ। देखो टास्क बस इतना है कि तुम्हें इसके अंदर बैठना है, इसको चलाना है और रैंप पर से जाते हुए एक बड़ा सा जंप करना है और पहुँचना है गोल तक। तो चलो अब तुम में से ये टास्क करेगा ये वाला गॉडज़िला। अच्छा ठीक है, ये तो काफी आसान है, बस गाड़ी तो चलानी है। देखना मैं कैसे कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। बस ये शुरू हो चुकी है, देखना मैं ही असली गॉडज़िला हूँ। तो गाइस ये नीचे की तरफ उड़ चुका है, सॉरी उतर चुका है, पर इसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसे लगा था ये आसान होगा। अरे बाप रे, ये क्या, ये कैन कहाँ से आ गए। इसने तो कहा था बस एक जंप होगी। ओहो गाइस क्या बात है, ये तो बहुत हल्लू हल्लू करके वहां तक पहुंच गया है। मैंने कहा था ना ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, काफी आसानी से ये जीत लूंगा मैं, मेरी मंजिल मेरे सामने है। तो गाइस वो घड़ी आ गई है, इसे बस यहाँ से नीचे जाना और एक जोरदार जंप करते हुए पहुंचना है गोल तक। वाह 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 वाह, मेरी स्पीड बढ़ चुकी है और ये मैं चला, देखना मैं कैसे पहुंचता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, मेरी गाड़ी बीच में से नीचे कैसे गिर सकती है। गाइस वो तो आधा भी नहीं पहुंचा था, देखो यही कहीं गिरा था, जल्दी से जाकर चेक करते हैं। ओ बच गया, अभी तो हम भी टकरा जाते। वो गिरा है वहां पर और गाड़ी की बहुत बुरी हालत है। तो चलो अब देखते हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। तो 1 2 3 कॉम्बिनेशन। ओहो, ये तो हल्का दुश्मन है ना। छोड़ो क्या ही फर्क पड़ता है, ये सब हमारे दुश्मन ही है, कोई अच्छा काम तो करते नहीं। तो देखो गाइस अब बचे हैं पूरे के पूरे 3 गॉडज़िला और हम अपनी मंजिल के काफी नजदीक आ चुके हैं। तो देखो ये वाला टास्क कुछ ऐसा है, इस जगह के अंदर रहती है एक माफिया गैंग, उन्होंने मेरा कुछ तो सामान लिया हुआ है। तुम्हें बस अंदर जाना होगा और उनसे मेरा सामान लेकर आना होगा। अगर तुम ये कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम रियल गॉडज़िला हो। तो बताओ ये काम करोगे कि नहीं। बस इतना सा काम, देखो मैं कैसे लेकर आता हूँ। मुझे लगता है यही वो गैंग होगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास मेरे एक दोस्त का सामान है, मुझे वो वापस चाहिए, तो जल्दी से दे दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। वाह क्या बात है, अबे घोचू तू जानता भी है हम कौन है, इतना मार खाएगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं गॉडज़िला हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम गॉडज़िला हो के मॉडज़िला हो, इसे मारो और इतना मारो कि इसे नानी याद आ जाए। अब इसे पता चलेगा बहुत ज्यादा बोल रहा था, मेरे ही एरिया में आके मुझसे ही पंगा, मुझे ही धमकी, रुकना मत जब तक के ये खत्म ना हो जाए। ओया बड़ा
बॉस से लड़ने वाला। बेचारे की पुंगी बच गई। एक काम करता हूँ, यही कहीं पर इसे फेंक देता हूँ। जाओ यहाँ से, आया बड़ा। गाइस यार, मैंने देखा इसको बहुत बुरी तरीके से फेंका गया यहाँ पर। एक गॉडज़िला गुंडों का सामना कैसे नहीं कर सकता, समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नकली है। तो चलो गाइस जल्दी से चेक करते इसके पीछे कौन है। अपग्रेडेड वर्जन। ओ हो भाई, चलो अब निकले यहाँ से, क्योंकि इसके बाद गाइस फैसले की घड़ी है। अब हमारे पास बचे हैं दो गॉडज़िला और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक टास्क होने वाला है। मैं तुम में से किसी एक को यहाँ पटरी पर लेटाऊंगा, फिर वहाँ से आएगी एक ट्रेन और तुम्हें कुचलते हुए जाएगी। अगर तब भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो तुम तो असली गॉडज़िला हो भैया। तो चलो इसमें से ये टास्क कौन करेगा डिसाइड कर लेते हैं गाइस। तुम ये टास्क करोगे। जल्दी से आ गया, मैं तुम्हें बांध देता हूँ। तो गाइस इसे बांध कर यहाँ पर लेटा दिया है। अब बस इंतजार करना है ट्रेन के आने का। फटाफट ऊपर चढ़ जाता हूँ, शायद हॉर्न की आवाज तो आ रही है। ट्रेन इसी साइड से आएगी या फिर इस साइड से। गाइस ट्रेन आ चुकी है और इसके काफी नजदीक बढ़ रही है और ये गया। देख रहे हो कहाँ तक घसीट कर लेकर गई है, सब जगह खून ही खून। ये अभी तक जिंदा है, इसका मतलब कि यही असली गॉडज़िला है। पर क्या पता ये फेक हो और ज्यादा ताकतवर हो, हमें दूसरे पर भी टेस्ट करना होगा। इसलिए गाइस मैंने इसको भी यहाँ पर लेटा दिया है। अब बस दूसरी ट्रेन आने का इंतजार करना है, उसके बाद फैसला हमारे आंखों के सामने ही होगा। चला अभी जा। तो गाइस फाइनली ट्रेन आ गई है और ये गई उसे कुचलते हुए। जरा देखो तो सही, क्या रगड़ा है यार, क्या रगड़ा है। अब देखते हैं बचा होगा या नहीं, ये ट्रेन तो खत्म ही नहीं हो रही। चलो फाइनली कहा गया। अबे यार यही तो था, खून तो यहाँ आके खत्म हो गया है। वो गायब कैसे हो गया और वो था कौन? अबे हिम्मत है तो सामने हमारे छुप के क्यों बैठा है? इसका मतलब गाइस वही मेन विलन था। पर जा कह सकता है यार, जगह तो इतनी सी है। तुम बचोगे नहीं, तुम मेरे प्लान के बीच में आए हो, सारा सत्यानाश कर दिया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, तब तो मैं तुम्हें नहीं रोक पाया, पर अभी रोकूंगा। गाइस यार गॉडज़िला हमारी मदद कर रहा है। चलो हम जाके साइड में हो जाते हैं, वैसे भी यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, मैं तो उससे लड़ नहीं पाऊंगा। चलो बारी है मुकाबले की, पर इतनी छोटी जगह में मुकाबला होगा कैसे? चिंता मत करो, मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। ट्रेन आ सकती है, लोगों को खतरा होगा। आ जाओ राइनो, हिम्मत है तो मेरे पीछे। अब मैं उसे बताऊंगा कि उसने किससे पंगा लिया था। सामने आओ मेरे। ऐसी बात है तो ये लो, तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद जिसने मेरा प्लान बर्बाद किया उसे, मतलब के डूड को। पहले मुझसे तो निपट लो, उसके बाद आगे बढ़ना। तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, चिंदी हो। अरे बाप रे, ये तो सच्ची बहुत ताकतवर है, पर मैं भी किसी से कम नहीं। ये लो और ये खाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। आ जाओ, तुम्हें अटैक करने नहीं दे दूंगा, अब संभलना। ये तो अभी भी बच गया है, मुझे इसकी सारी पावर खत्म करनी होगी। आ जाओ, तुम कुछ भी कर लो मुझे नहीं हरा पाओगे। ऐसी बात है तो ये लो, जाओ यहाँ से, अब देखना क्या झटका लगेगा तुम्हें। फाइनली इसकी हालत खराब हो चुकी है। गाइस यार, गॉडज़िला ने राइनो की पुंगी बजा दी है, तो इसका मतलब यही असली गॉडज़िला है। अब इसे जाकर इसके मालिक तक पहुँचा देते हैं। तब तक गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद। We'll be right back.